हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये वीडियो आपका बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के ऊपर है। क्लर्क्स ऑफिसर की हम तैयारी कर रहे हैं, उसके ऊपर बात करें। सारे सब क्लर्क्स जो है अपडेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको बस लॉग इन करना है, ठीक है। आपको यहाँ दो चीज दिखेंगे। अब सर्कुलर्स में भी क्या होता है, कौन इंपॉर्टेंट है, यानी हाईली इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलेंगे, ठीक है। सर्कुलर्स में भी हाईली इंपॉर्टेंट होता है। अब कौन से ऐसे सर्कुलर्स होते हैं जो कि कम इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी लेस इंपॉर्टेंट होता है। दोनों तरह की चीजें होती हैं, हाईली इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पहले आप क्या पढ़ेंगे जो ज्यादा जरूरी है सर्कुलर। तो पहले क्योंकि देखिए एग्जाम ले रहा है आईबीपीएस, हमें नहीं मालूम क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। इतने इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से हमें ही पता चलता है कि ज्यादा जरूरी वाली चीजें पहले हम वो कवर कर लेते हैं। तो सर्कुलर सबसे पहले आप जो हाईली इंपॉर्टेंट है वो आप पहले कवर कर लीजिए, उसको खत्म कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपने इसको पहले पढ़ लिया, उसके बाद आप फिर लेस इंपॉर्टेंट सर्कुलर को पढ़ेंगे। आप आ रही बात समझ में आपको? बस ये जो सर्कुलर से आपको अपडेट किया हुआ है, लास्ट अपडेट जो है वो आपको 3 सितंबर 2023 का अपडेट है, यानी अभी हाल फिलहाल का ये बनाया हुआ है, ठीक है। अभी बहुत लेटेस्ट हो गया, एकदम पूरा लेटेस्ट सर्कुलर है आपका ये, ठीक है। इससे ज्यादा आपको कुछ लेटेस्ट पूछेगा नहीं, प्लीज पढ़िए तो ये काम बनेगा आपका, ठीक है। और उसके साथ हम लोगों ने जो आपको बताया है ज्ञान ज्योति, वो पूरा पढ़ लीजिएगा, बहुत काम करने वाला है, ठीक है। इफ टाइम बचता है तो आप जरूर पढ़िए, इफ टाइम रहता है तो आप पढ़िए। देखिए सर्कुलर संदीपनी है क्या, संदीपनी सर्कुलर्स होता है, ठीक है। संदीपनी है क्या, सर्कुलर्स होता है। तो सर्कुलर्स आपने यहां पढ़ ही लिया तो संदीपनी पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब बच गया विजेता। विजेता में जो भी कंटेंट है वो आपके पास ऑलरेडी आपने ज्ञान ज्योति में आपने पढ़ लिया है, इवन विजेता भी करने का जरूरत नहीं है। बट अगर आपका समय है, अगर टाइम है, तो आप सब पढ़िए, आप संदीपनी भी पढ़िए, आप विजेता भी पढ़िए, कोई मना नहीं किया है। अगर ऑर्डर में पढ़ना है, पहले हमको क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे सर्कुलर्स, ज्ञान ज्योति, ये दो चीज सबसे पहले करना है। ज्ञान ज्योति कर लो और सर्कुलर्स कर लो, बस इतना ही कर लेंगे आप पास हो जाएंगे। और उसके बाद बहुत जरूरी है कि बैंक ऑफ इंडिया का आप मॉक टेस्ट दीजिए, बहुत जरूरी है, मैं बार बार बोलता हूँ। बैंक ऑफ इंडिया का मॉक टेस्ट नहीं दीजिएगा पता ही नहीं चलेगा आप क्या तैयारी की हो, ठीक है। ये कर लो और लास्ट में मैं अगर स्टेप बताऊँ, ये स्टेप वन है आपका, क्या स्टेप वन होगी, ज्ञान ज्योति प्लस सर्कुलर्स, और टाइम बचता तो ये सब भी कर ली संदीप ने विजेता, उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए, हो गया आपका स्टेप टू, फिर हो जाएगा स्टेप थ्री, उसके बाद क्वेश्चन बैंक कर लीजिए, ठीक है। ये सारा समय बचने के बाद की बात है, ओके, ठीक है। जो लोग कोर्स कर रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है उनको, सब कुछ पता होगा, नहीं तो कोई दिक्कत आएगा तो फोन भी कर लीजिएगा। और जो लोग समहाउ कोर्स नहीं कर पाए या पता नहीं चल पाया है तो कोर्स कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास वीडियो कोर्सेज होता है, ये सारी वीडियो कोर्सेज रिकॉर्डेड वीडियोज होती हैं, यानी आप इसको कभी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप इसको कभी भी वॉच कर सकते हैं, वॉच एट एनी टाइम। रह गया बात इसको एक्सेस कैसे करेंगे हम, बहुत सिंपल है, आप इसको एक्सेस वेबसाइट या फिर पोर्टल के जरिए कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना होगा जो आपकी ईमेल आईडी पर ऑलरेडी भेजा हुआ होगा, बस सिंपल सा। अब आते हैं कोर्स कंटेंट के ऊपर। पहला हो जाएगा वीडियो लेक्चर कोर्स, दूसरा हो जाएगा सर्कुलर्स के वीडियोस, तीसरा हो जाएगा आपका ज्ञान ज्योति का
वीडियोस। चौथा हो जाएगा संदीपनी का वीडियोस। पांचवा हो जाएगा नोट्स पीडीएफ में। छठा हो जाएगा विजेता का वीडियोस। सातवां हो जाएगा नो योर बीवाई का वीडियोस। आठवां हो जाएगा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो। ठीक है, नौवां हो जाएगा क्वेश्चन बैंक 3000 सेट का पीडीएफ। दसवां हो जाएगा 20 मॉक टेस्ट। ठीक है, इसका प्राइस दाम रखा गया है 2000 रुपये, जो कि 6 मंथ्स की वैलिडिटी के लिए होगा। और जो दूसरा दाम है वो है 3000 रुपये, जो कि लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए होगा। मर्जी आपकी, जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी अपनी है। फिर भी कुछ डाउट हो तो संदर्भ में फोन करके पूछ सकते हैं। नंबर हो जाएगा 4x9 68 5127। या फिर आप वेबसाइट पर जा करके उधर से ही आप हमें ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट हो जाता है www.jaiabcaiabstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seedsinha123@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ। थैंक यू वेरी मच।